हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज है नवमी और मेरा पूजा हो गया है, मैंने पूजा कर लिया है। आज मैं बैठाऊंगी कन्याओं को, तो चलिए मैं दिखाती हूँ किचन में कि आज मैंने क्या बनाया है खाने में। मैंने यहाँ पर बनाया है सूजी का हलवा, सूजी का ही हलवा बनाते हैं हम, और चने के छोले, काले चने के छोले हैं ये, सूखा बनाया है, और आलू की सब्जी, और यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑयल को गर्म होने के लिए, और पूड़ी बनाऊंगी। चलिए आपको मैं मिलवाती हूँ। हाय, सब हाय बोल रहे हैं। हमारे अगल बगल में ऊपर नीचे साथ ही लड़कियाँ रहती हैं, तो हमने साथ ही कन्याओं को बुलाया है। वैसे तो 9 बैठती हैं पर साथ हैं, कोई बात नहीं, साथ ही बैठाएंगे हम। तो मैं इस तरीके से पानी लेती हूँ और इनका पैर धोती हूँ। इसी तरीके से मैं करती हूँ, हर साल करती हूँ, 9 दिन का फास्ट करती हूँ और 9वें दिन मैं ऐसे ही बैठाती हूँ कन्याओं को। सबका पैर धोऊंगी और पैर छूती हूँ और इनको अच्छे से बैठा के खिलाऊंगी, और गिफ्ट इनके और पैसे जो भी है श्रद्धानुसार दिया जाता है। और टीका लगाऊंगी और हाथ में कलावा बांधूंगी। तो ऐसे ही मैं सब जितनी हैं, सात हैं, सातों को मैं बांधूंगी। और एक भैरव बाबा होते हैं, सात लड़कियां हैं और एक भैरव बाबा होते हैं, तो मैंने भैरव बाबा को भी बैठा रखा है। मैं इसी तरीके से करती हूँ, सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ और सिंपल तरीके से ही कन्या बैठाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती और मुझे ऐसे ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं। सबको टीका लगा दिया है और सबको बांध दिया है। और ये ज्वारे हैं, ज्वारे कान पे ही रखते हैं, और सबके कान पे रखूंगी जितने हैं। और ये भैरव बाबा हैं छोटे से, उनके भी रखूंगी। तो आज इनका रूप तो देवी का रूप है, आज हमारे घर पे देवी आई हैं। सबको अच्छे से बैठा के हम खिलाएंगे। जय माता दी। और ये अब इनको हम विदा करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय, तब तक के लिए जय माता दी।